नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। सेवा सदन को बचाने के लिए काफ़ी सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर सेवा सदन के समक्ष भी एक मंच यहाँ पर मौजूद है जो सेवा सदन को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग उन्हीं के कुछ लोगों से बात करते हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। तो कहिएगा कि ये सेवा सदन को बचाने के लिए काफ़ी वक्त करते ही ये सारे प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, क्या चाहिए? देखिए, यह जनता की सेवा के लिए सेवा सदन की स्थापना की गई है और पिछले 60 वर्षों से यह रांची की जनता की सेवा कर रही है, लेकिन आज अचानक से इसे तोड़ने का जो आदेश दिया गया है उसके विरोध में रांची की जनता में आक्रोश है और हम मांग करते हैं कि रांची नगर निगम और आयुक्त इसे जल्द से जल्द वापस लें, इस तुगलकी फरमान को वापस लें। इस अपेक्षा के साथ रांची की जनता आज सड़कों पर उतरी है और हमारी मांग मुख्यमंत्री तक जाएगी और मुख्यमंत्री भी इस पर संज्ञान लेकर इस पर कोई निर्णय लेंगे, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। तो आप लोगों ने सुना, हम लोग कुछ और व्यक्ति से भी बात करते हैं, क्या कुछ कहिएगा सर आप? मेरा तो ये कहना है कि सेवा सदन आज कई वर्षों से सेवा का करते आ रही है रांची वासियों का, और सेवा सदन ही नहीं, रांची में जितने भी भवन हैं उनको सरकार को अपने मतलब रेगुलराइज करना चाहिए, ये नहीं कि तोड़ने का आदेश देना चाहिए। अगर भवन बनाने नहीं देना चाहिए था तो उसी समय रोकना था, अब किसी को भी बेघर करना गलत होगा। बड़ी बात है क्योंकि सेवा सदन ने उस वक्त लोगों की मदद की थी जब बड़े बड़े अस्पताल यहाँ रांची में मौजूद नहीं थे, अभी भी यह बहुत अच्छी तरीके से लोगों को सेवा दे रही है। जो राशि में लोग खुद ब खुद अपना इलाज नहीं करा सकते हैं, उतने ही कम राशि में यहाँ पर सेवा सदन में सभी लोगों को इलाज मिलता है और आज भी वह कम से ही कम शुल्क में लोगों को मदद पहुँचाने का कार्य कर रही है। तो यह निगम के द्वारा जो फरमान निकाला गया है कि सेवा सदन को 15 दिन का समय दिया गया था जिसके ज़रिए उन्हें तो उसे तोड़ा जाए, तो इसको लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है सेवा सदन के समक्ष। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।